नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रकांत, आप सभी का अपने कंपनी का यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत। आज हम देखने वाले हैं हिंदुस्तान के हर कोने में चलने वाला व्यापार या व्यवसाय जिसका नाम है बेसन प्रोसेसिंग प्लांट या बेसन उद्योग। दोस्तों, आज मैं आपको इस बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने वाला हूँ, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरा मतलब अंत तक देखें, ताकि आपको ये वीडियो में हम लोग देने वाली जानकारी अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आप इसके ऊपर विचार करके इस व्यापार को चालू कर सकते। चालू करने वाले हैं, इस बिजनेस का यूज कहाँ कहाँ होता है? जो बेसन है ना, वो बेसन हर घर में यूज होता है, हर होटल में यूज होता है, स्वीट मार्ट में यूज होता है, फरसान इंडस्ट्री में यूज होता है। तो ये जो बेसन है ना दोस्तों, इसका डिमांड हमारे हिंदुस्तान में इतना काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि हम लोग उसका मतलब जो मार्केट है वो कवर नहीं कर पा रहे, और यदि हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं तो हम लोग इस बेसन को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो है ना, सबसे पहले तो चना दाल की टुकड़ी, और हमें अलग अलग उसमें ग्रेन्स या फूड एडिटिव्स डालने होते हैं कि जिससे हमारे प्रोडक्ट की टेस्ट, फ्लेवर, मतलब टोटली ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे मिल जाते हैं। इसके लिए हमें इसमें कुछ फूड एडिटिव्स डालने होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों रॉ मटेरियल। इसके बाद दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। तो सबसे पहले हमें एक अच्छे क्वालिटी का रॉ मटेरियल लेना है, क्लीन रॉ मटेरियल लेना है। फिर उसको हमें एक ग्राइंडिंग सिस्टम होता है, उस ग्राइंडिंग सिस्टम में उसको ग्राइंड करना पड़ता है। ग्राइंड होने के बाद जो है दोस्तों, हमारा ये ग्राइंडिंग हुआ मटेरियल जो है, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन आता है, उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में उसका सेपरेशन किया जाता है। सेपरेशन के बाद उसको एक हम न्यूमेटिक सिस्टम भी ले सकते हैं या स्क्रू कन्वेयर भी ले सकते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसको एक टैंक में स्टोर करेंगे, और टैंक के बाद हम उसको एक पैकेजिंग मशीन में भेजेंगे, उसमें पैकेजिंग होगा। 1 kg का भी आप पैक कर सकते हैं, 2 kg, 5 kg, जैसे भी आप पैक करना चाहते हैं उस हिसाब से आप उसमें पैकेजिंग कर सकते हैं। दोस्तों, ये हो गया रॉ मटेरियल और प्रोसेसिंग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हमें कौन कौन सी मशीनों की आवश्यकता है, या अपनी कंपनी PCK फूडटेक सॉल्यूशंस मार्केट में किस तरह के प्लांट देती है। तो दोस्तों, इसमें 3 टाइप के प्लांट अपनी कंपनी देती है। एक तो है मैनुअल प्लांट, सेकंड है सेमी ऑटोमेटिक प्लांट, एंड थर्ड वन इज द ऑटोमेटिक प्लांट। ऐसे 3 तरह के अलग अलग प्लांट अपनी कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये 3 प्लांट हो गए, इसमें से जो आपको खरीदना है वो आप खरीद सकते हैं। अपना बजट कम है तो हम मैनुअल प्लांट से स्टार्टिंग करें, थोड़ा बजट अच्छा है तो हम सेमी ऑटोमेटिक से स्टार्ट करें, और हमारा बजट का कोई इशू नहीं है तो हम लोग फुल ऑटोमेटिक की तरफ जावे या वैसा प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करें। ये हो गया दोस्तों मशीन्स। अब मैं आपको इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, हम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए एक बेसन व्यवसाय या बिजनेस चालू करने के लिए। दोस्तों, कम से कम हमें 1.5 lakh rupees की इन्वेस्टमेंट करनी होगी मैनुअल प्लांट में। जैसे हम आगे आगे जाना चाहते हैं वैसे हमारे प्लांट 10 लाख में भी आता है, 20 लाख में भी आता है, 5 लाख 7 लाख में भी आता है। इस हिसाब से आपको ये इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। ये इन्वेस्टमेंट हमारी पूरी तरह से डिपेंड है
कि हम कितने कैपेसिटी का प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, और मैनुअल लगाना चाहते हैं या सेमी ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारे इन्वेस्टमेंट। अब इसके लिए हमें जो जगह लगती है, स्पेस, वो कितना होना जरूरी है। तो दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि हमारा कोई नौजवान एक छोटा सा व्यवसाय बिजनेस चालू करना चाहता है, एक 100 kg पर हवर प्लांट का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, यदि 100 kg पर हवर का प्लांट हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैन्युअल लगाना चाहते हैं तो मिनिमम हमें 400 से 500 स्क्वायर फीट जगह होना जरूरी है। सेमी ऑटोमेटिक की तरफ जाते हैं तो हमें 700 से 800 स्क्वायर फीट होना बहुत जरूरी है, और यदि हम लोग फुल ऑटोमेटिक की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें 1 से 2000 स्क्वायर फीट की जगह होना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये मैंने आपको जगह का भी बता दिया, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों ध्यान से सुनिए, आप ये सब चीज़ करोगे बट इलेक्ट्रिसिटी भी उतना इम्पोर्टेंट है। मेरे कोई नौजवान साथी क्या करते हैं, वह पैसा है, मैं जगह भी है, मशीन ले लेते हैं, बट वो इलेक्ट्रिसिटी का सोचते ही नहीं है। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो हमें 3-phase कनेक्शन होना जरूरी है, लोड उतना हमें जो MSEB है वहाँ से मिल रहा है क्या, वो भी देखना बहुत जरूरी है। तो कम से कम हम मैनुअल प्लांट चालू करना चाहते हैं तो हमें इसका जो लोड है वो 10 HP होना बहुत जरूरी है। हम सेमी ऑटोमेटिक की तरफ जाते हैं तो 15 से 17 HP होना जरूरी है, और हम ऑटोमेटिक की तरफ जाते हैं तो मिनिमम 25 HP का हमें ये होना बहुत जरूरी है। तो ये हो गए हमारी इलेक्ट्रिकल रिक्वायरमेंट। दोस्तों अब इसके लिए हमें मैन पावर, कितने कामगार मजदूर जिसे हम लोग कहते हैं, वो कितनी आवश्यकता है। तो हम मैनुअल प्लांट में कम से कम 3 से 4 मजदूर हमें लगेंगे। हम सेमी ऑटोमेटिक में जाते हैं तो हमें 2 से 3 लगेंगे। हम ऑटोमेटिक में जाते हैं तो हमें 1 से 2 मैन पावर की आवश्यकता है। हम ऑटोमेटिक में जाएंगे तो हमारा मैन पावर सेव होता है, मैन पावर सेव होगा तो कॉस्टिंग पे इफेक्ट जाता है, कॉस्टिंग पे इफेक्ट गया तो हमें मिलने वाला प्रॉफिट ये ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों अब ये भी हो गया, अब जो इम्पोर्टेंट है कि हम लोग फूड प्रोसेसिंग यूनिट चालू करना चाहते हैं, चाहे आप बेसन लो, मसाला लो या कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट लो, उसके लिए लाइसेंस बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस है वो है FSSAI, जिसे हम लोग फसाई बोलते हैं। तो ये फसाई का लाइसेंस हम लोग आपको निकाल के देते हैं, उसके बाद हम लोग आपको शॉपिंग का भी लाइसेंस निकाल के देते हैं, हम लोग आपको उद्यम आधार भी निकाल के देते हैं। बस आपको एक चीज़ की और आवश्यकता है, वो है जो हमारी वहाँ पे लोकल अथॉरिटी है उनका हमें परमिशन, जिसे हम लोग नोड्यूस सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये हो गया हमारा लाइसेंस। अब हम लोगों का प्रोडक्ट कितने रुपए में बन सकता है और हम लोग कितने में बेच सकते हैं, दोस्तों एक मोटा मोटा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यदि हम लोग बेसन दाल मार्केट से खरीद के बनाते हैं तो हमें 55 से 56 रुपए तक हमें रॉ मटेरियल मिल जाता है, और इसका प्रोसेसिंग कॉस्ट पर केजी इंक्लूडिंग पैकेजिंग, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, लैंड चार्जेस, लोकल ट्रांसपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग हम इसे इंक्लूड कर देते हैं तो हमें 4 से 5 रुपए मैक्स टू मैक्स इसमें खर्चा आता है, लागत आती है। लगभग लगभग 60 रुपीज में हमारा बेसन अच्छे क्वालिटी का घर में विद ट्रांसपोर्ट बन जाता है। तो हम इसे बेचते हैं मार्केट में 65 रुपीज या 70 रुपीज केजी से। तो दोस्तों हमें इस बेसन व्यवसाय में पर केजी मिलने वाला प्रॉफिट ये कम से कम 5 रुपए होगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। दोस्तों ये प्रॉफिट हमारा 100 kg का प्लांट हम चलाते हैं तो घंटे में हमें 500 रुपए मिलते हैं। हम 10 घंटे प्लांट को चलाएंगे तो हमें 5000 रुपया
पर डे का मिलता है। ये प्रॉफिट जो है कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब दोस्तों ये जो है हम लोगों ने पूरी आपको जानकारी दी है, इससे भी ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है, मेल आईडी है, इसे संपर्क करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके वीडियो कैसा लगा जरूर मतलब फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।